our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. तुलजा भवानी के मंदिर, और मंदिर से अपन जाने के बाद चलेंगे दादाजी के दरबार में. तो अभी मंदिर में दर्शन करते हैं. पीछे हरा मंदिर, और इधर थोड़ा सा आगे जाएंगे वहीं पे रहेगा वो भी, तो वहाँ भी चलते हैं माता जी का. तो अभी यहाँ दर्शन करते हैं. यहाँ पे दिए वगैरह लगते हैं. ये मंदिर का पंडाल है. तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दादाजी के दरबार में. यहाँ पे आने के बाद आप प्रसादी वगैरह ले सकते हैं. इधर ये सामने दुकानें हैं, नारियल वगैरह जो भी आप लेना चाहें. ये लेने के बाद आप यहाँ पे जूते वगैरह निकाल दो अपने. जूते अंदर नहीं ले जा सकते, और मैं मेरे दादाजी के साथ आया हूँ. तो अभी हम चल रहे हैं अंदर, और मैं आपको और भी जानकारी देने वाला हूँ. ये पूरा ग्राउंड है. सामने कुछ रथघर वगैरह भी है, वहाँ भी चलेंगे. तो ये पूरा खाली ग्राउंड है, पीछे मेला है, और ये दादाजी की समाधि स्थल है ना. तो ये सामने हवन है, जहाँ पे आप हवन सामग्री डाल सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं. तो ये हवन हमेशा चलता रहता है यहाँ पे, जब भी आप जाएंगे तो इस तरीके से. और ये सामने रथघर है, तो यहाँ की भी आपको मैं कुछ जानकारी देने वाला हूँ. छकड़ी ये छकड़ी गाड़ी वाले फिर जेब न छेनागा. ठीक है, कोई आजकल की बात नहीं छेन. वो कितना साल का? 5-600 साल. श्री धोनी वाले दादाजी लिखे होंगे. बड़ा जी दादा, अरे बड़ा भाई मोबित तो जाता था ये गाड़ी में से, वहाँ भी छेके उनको गाड़ी अपने चलाऊंगा. ये गाड़ी आई है टांगा जैसे देख रहा था. हाँ, घोड़ा गाड़ी बड़े दादाजी की मोटर गाड़ी. ये गाय है का डंडा, महाराज की पेटी. ये मंदिर पढ़ाई यार पहला जूती ने दे. छोटा दादाजी के मोजे, जूते, कुर्सी, टिफिन, पुराना जमाना टिफिन, घंटी, तखत. तो दोस्तों, यहाँ पे दादाजी दरबार पे कुछ नियम लिखे हुए हैं, और पीछे खाली ग्राउंड में मेला लगता है जब गुरु पूर्णिमा आती है उस टाइम पे. तो मेला वगैरह भी लगता है यहाँ पे. ये बारिश के कुछ दिन पहले अभी बारिश लगते का टाइम आता है. और यहाँ पे समाधि स्थल है जो मैं आपको अभी दिखा दूँगा. तो ये सब कुछ है यहाँ पे. और ये सामने अंदर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, बाहर से आप देख सकते हैं. या दर्शन करना हो तो अंदर जा सकते हैं, है ना. वहाँ टच भी कर सकते हैं आके समाधि को. मैंने अभी आपको धोनी वाले दादाजी का भी दरबार दिखा दिया सारा. तो कैसा क्या लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.